नमस्कार। रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित आज के इस विशेष समारोह में हमारे बीच श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। हम आपको सादर नमन करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा भारत की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर सांगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया जाएगा। मैं माननीय केंद्रीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करता हूं। माननीय श्री पीयूष गोयल जी। नमस्कार। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, रेल परिवार के मेरे साथी, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े सभी किसान भाई बहनों और समस्त देशवासियों का मैं इस शुभ अवसर पर स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन से पिछले 6 वर्षों में भारतीय रेल में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिनके लाभ देशवासियों को सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक देखने को मिलेंगे। कोविड लॉकडाउन के दौरान रोड के द्वारा माल ढुलाई में कुछ परेशानियां थी, इसी दौरान रेलवे ने अभूतपूर्व प्रयासों से खाद्यान्न और फर्टिलाइजर्स को देश के कोने कोने में पहुंचाया। इससे किसानों को भी बड़ी राहत मिली और साथ ही साथ सामान्य लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में लगातार उपलब्ध रहीं। कोविड काल के दौरान 25 मार्च 2020 से लेकर अभी तक रेलवे ने लगभग 510 लाख टन अनाज की ढुलाई की है, जो पिछले वर्ष से 80% अधिक है। किसान का विकास ही देश का विकास है, किसान की समृद्धि ही देश की समृद्धि है, ये आप हमें हर बार बताते रहते हैं। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए और किसानों का विकास करने के लिए रेलवे ने किसान रेल को चलाया है। देवलाली से दानापुर के बीच पहली किसान रेल की शुरुआत हुई थी। किसान रेल के माध्यम से नागपुर के संतरे को पूर्वांचल और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के केले को दिल्ली और कोलकाता तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे इन फलों की खेती करने वाले किसानों को बड़ा बाजार मिला, बेहतर कीमत भी मिली और उनकी आमदनी भी बढ़ी है। किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी इसका बड़ा लाभ मिला है। उपभोक्ताओं को अब फल और सब्जियां पहले की अपेक्षा सस्ती, ताजी और कम समय में मिलने लगी हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब तक की 99 यात्राएं 14 राज्यों में हुई हैं और हमारा प्रयास है कि आगे आने वाले समय में पूरे भारत को किसान रेल से जोड़ा जाए। आज सांगोला नागपुर शालीमार किसान रेल के रूप में भारतीय रेल अपनी 100वीं किसान रेल यात्रा संपन्न करने जा रहा है, जिसका शुभारंभ कुछ ही देर में आपके कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, के एक भारत एक बाजार के संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय रेल समर्पित है। जब हमारे किसान आत्मनिर्भर होंगे, तब हमारे गांव भी आत्मनिर्भर होंगे
और जब हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। आपके मार्गदर्शन में हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि देश में किसान रेल को और ज्यादा तेज गति से हम बढ़ाने के लिए सदा तत्पर रहेंगे और कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय मिलकर इस किसान रेल को सफल बनाने में और जोर लगाएगा, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं। आपने आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहने की मंजूरी दी, इसके लिए हम आपको आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद माननीय श्री पीयूष गोयल जी। अब मैं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें संबोधित करें। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम की पूरी आयोजना के सूत्रधार रेल मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, कृषि और रेल मंत्रालय के अधिकारीगण और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी किसान भाइयों और बहनों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि की प्रधानता को लोगों ने उद्बोधन में तो स्वीकार किया, लेकिन यह प्रधानता सरकारों की प्राथमिकता बने इस दृष्टि से लंबे कालखंड तक इसकी उपेक्षा होती रही। इसी का परिणाम है कि किसान परिश्रम भी करता है, पूंजी भी लगाता है, सरकारों की मदद भी होती है और उसके बावजूद भी वह अपने उत्पादन से जो आय प्राप्त करता है उसमें संतुष्ट नहीं हो पाता। मुझे इस बात का गौरव है और प्रसन्नता है कि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभाला, तब से उनके नेतृत्व में यह सरकार एकांगी विचार के बजाय समग्र रूप से क्षेत्र और वर्ग के बारे में विचार करती है, योजनाओं का सृजन करती है और उसका ईमानदारी से और कठोरता से क्रियान्वयन करने पर बल देती है। उसी का परिणाम है कि कृषि का क्षेत्र उन्नत क्षेत्र बने, कृषि का क्षेत्र समृद्ध हो, कृषक की आमदनी दोगुनी हो और कृषि का भारत के जीडीपी में योगदान बढ़े और यह क्षेत्र रोजगार के अवसर भी सृजित कर सके और तकनीक से जुड़ सके, इस क्षेत्र में निजी निवेश के द्वार खोल सकें और इस क्षेत्र में जो कानूनी बंदिशें किसानों पर लगी हैं उनसे किसान मुक्त हो सके, इस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ जिनका सफल रूप से संचालन किया जा रहा है। जब कानूनों में बदलाव और नए कानून बनाने की बात आई तो नए कानून बनाकर भी इस रास्ते को प्रशस्त करने का प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक हुआ है। मुझे ध्यान है कि कोविड के संकट के दौरान जब खाद्यान्न की आवाजाही की तकलीफ थी, उस दौरान रेल मंत्रालय ने पीयूष जी के नेतृत्व में अपनी भूमिका का बहुत ही सफलतापूर्वक निर्वहन किया। किसान ने अपनी भूमिका निभाई और सरकार ने जगह जगह पर जहां आवश्यकता थी वहां किसानों को
छूट प्रदान करने की कोशिश की। कोविड की इस प्रतिकूलता में भी किसानी का क्षेत्र अव्वल रहा, सफल रहा और देश भर में खाद्यान्न की आवाजाही हो उसके लिए जो रेल मंत्रालय की भूमिका रही वह निश्चित रूप से स्वागत और अभिनंदन के योग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बजट में यह घोषणा की गई थी कि कृषि के क्षेत्र में अनेक काम बजट में उल्लिखित थे, लेकिन प्रमुख रूप से हम किसान रेल चलाएंगे, किसान उड़ान प्रारंभ करेंगे और उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से रेल मंत्रालय ने किसान रेल का आरंभ किया और मात्र 4 महीने के भीतर ही एक रेल नहीं, आज ये 100वीं रेल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम के अंतर्गत इस परिवहन में 50% की सब्सिडी सब्जी और फल के किसानों को परिवहन की दृष्टि से दी जा रही है। इसका बहुत ही सफल परिणाम पूरे देश में मिल रहा है और किसान को अपने उत्पादन का ठीक मूल्य प्राप्त हो पा रहा है। कम समय में अधिक दूरी तय करके ताजी सब्जियां उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयत्न सफलीभूत हो रहा है, यह हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं इस अवसर पर अपने मंत्रालय की ओर से और किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में रेल के माध्यम से जो किसानों को फायदा पहुंचाने का एक सफलतापूर्वक प्रयत्न किया जा रहा है उसके लिए भी उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। अब प्रस्तुत है भारत की 100वीं किसान रेल के बारे में जानकारी देती हुई ये लघु फिल्म। किसान बोता है धरती की छाती पर उम्मीदों का बीज, उसकी लहलहाती फसलें देती हैं गारंटी हमारे और आपके पेट को भरने की, उसे उसकी मेहनत का मिले उचित मूल्य और उसकी फसलों को मिले सर्वोत्तम बाजार। हमारे किसान भाई बहन हो समृद्ध सशक्त और बने आत्मनिर्भर भारत का मजबूत आधार। इसी प्रण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सरकार ने कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए उठाए सतत और समग्र कदम। किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। और अन्नदाताओं के सपनों को साकार करने महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चली पहली किसान रेल। भारत सरकार अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों की स्थिति सुधारने की दिशा में है निरंतर प्रयासरत। किसान रेल भी है उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल। किसान रेल ने कृषि उत्पादों के परिवहन की जटिलताओं को बनाया है सुगम। यह गुजरती है फलों और सब्जियों से समृद्ध क्षेत्रों से, इसमें मिलती है किसी भी स्टेशन पर लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा, साथ ही अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन में 50% की सब्सिडी इसे जोड़ रही है अन्नदाताओं के दिल से। तभी तो अब तक 99 किसान रेल सेवाओं द्वारा 27,000 टन से अधिक सामग्री पहुंचाई गई है निर्बाध। किसानों को मिल रहे हैं अब नए बाजार, साथ ही उत्पादों को कम समय में खराब होने से पहले बाजार पहुंचाकर किसान और उपभोक्ता दोनों को मिल रहा है लाभ, बढ़ी है उनकी आय। आज किसान रेल सेवा लगाने जा रही है शतक, जो जोड़ेगी महाराष्ट्र को बंगाल से और तय करेगी सांगोला से शालीमार की दूरी। महाराष्ट्र के सांगोला, नाशिक
नागपुर आदि क्षेत्रों से लोडिंग होती है और देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं उत्पाद। किसानों की खुशहाली को और बढ़ाने और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय रेल के इतिहास में जुड़ने जा रहा है एक और सुनहरा अध्याय। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100वीं किसान रेल को अपने कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे हरी झंडी दिखाकर भारत की 100वीं किसान रेल को रवाना करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, अन्य सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले देश के करोड़ों किसानों को बधाई देता हूं। अगस्त महीने में देश की पहली किसान और खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित रेल शुरू की गई थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, देश के हर क्षेत्र की खेती को, किसानों को किसान रेल से कनेक्ट किया जा रहा है। कोरोना की चुनौती के बीच भी बीते 4 महीनों में किसान रेल का ये नेटवर्क आज 100 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। आज 100वीं किसान रेल थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना हुई है, यानी एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों की पहुंच मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े बाजार तक हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के साथियों को अब पश्चिम बंगाल के मार्केट से जुड़ने के लिए सस्ती और सुलभ सुविधा मिल गई है। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं, एक कर रही हैं। साथियों, किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात ये कि किसान रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को
बहुत बड़ी शक्ति मिली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें किसानों के लिए कोई न्यूनतम मात्रा तय नहीं की गई है। अगर कोई किसान 50-100 किलो का पार्सल भी भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है। यानी छोटे किसान का छोटे से छोटा उत्पाद भी कम कीमत में सही सलामत बड़े बाजार तक पहुंच पाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अब तक का जो रेलवे का सबसे छोटा कंसाइनमेंट है वो अनार का 3 किलो का पैकेट किसान रेल में ही भेजा गया। यही नहीं, एक मुर्गी पालक ने 17 दर्जन अंडे भी किसान रेल से भेजे हैं। साथियों, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज के अभाव में देश के किसान का नुकसान हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। हमारी सरकार भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाओं पर, सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण पर करोड़ों करोड़ का निवेश तो कर ही रही है, किसान रेल जैसी नई पहल की जा रही है। आजादी के पहले से भी भारत के पास बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क रहा है। कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी टेक्नोलॉजी भी पहले से मौजूद रही है। अब किसान रेल के माध्यम से इस शक्ति का बेहतर इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। हमने बजट में ही इससे जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर दी थी। पहली किसान रेल और दूसरी कृषि उड़ान। यानी जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार अपने किसानों की पहुंच को देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक बढ़ा रही है, ये बातें हम सिर्फ हवा में नहीं कर रहे हैं, हम इसे धरती पर साकार कर रहे हैं। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सही रास्ते पर है। साथियों, शुरुआत में किसान रेल साप्ताहिक थी। कुछ ही दिनों में ऐसी रेल की मांग इतनी बढ़ गई कि अब सप्ताह में 3 दिन ये रेल चलानी पड़ रही है। सोचिए, इतने कम समय में 100वीं किसान रेल, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये स्पष्ट संदेश है कि देश का किसान क्या चाहता है। साथियों, ये काम किसानों की सेवा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये इस बात का भी प्रमाण है कि हमारे किसान नई संभावनाओं के लिए कितनी तेजी से तैयार हैं। किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी फसलें बेच सके, उसमें किसान रेल और कृषि उड़ान इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे बहुत संतोष है कि देश के पूर्वोत्तर के किसानों को कृषि उड़ान से लाभ होना शुरू हो गया है। ऐसे ही पुख्ता तैयारियों के बाद ऐतिहासिक कृषि सुधारों की तरफ हम बढ़े हैं। साथियों, किसान रेल से किसान को कैसे नए बाजार मिल रहे हैं, कैसे उनकी आय बेहतर हो रही है और खर्च भी कम हो रहे हैं, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। कई बार हम खबरें देखते हैं कि कुछ वजहों से जब टमाटर की कीमत किसी जगह पर कम हो जाती है
तो किसानों का क्या हाल होता है? ये स्थिति बहुत दुखदायी होती है। किसान अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखता है, असहाय होता है। लेकिन अब नए कृषि सुधारों के बाद, किसान रेल की सुविधा के बाद, उसे एक और विकल्प मिला है। अब हमारा किसान अपनी उपज देश के उन हिस्सों तक पहुंचा सकता है जहां पर टमाटर की मांग ज्यादा है, जहां उसे बेहतर कीमत मिल सकती है। वो फलों और सब्जियों के ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी का भी लाभ ले सकता है। भाइयों और बहनों, किसान रेल की एक और खास बात है, ये किसान रेल एक प्रकार से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज भी है। यानी इसमें फल हो, सब्जी हो, दूध हो, मछली हो, यानी जो भी जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। पहले यही सामान किसान को सड़क के माध्यम से ट्रकों में भेजना पड़ता था। सड़क के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन की अनेक समस्याएं हैं। एक तो इसमें समय बहुत लगता है, सड़क के रास्ते भाड़ा भी अधिक होता है, किराया ज्यादा लगता है। यानी गांव में उगाने वाला हो या फिर शहर में खाने वाला, दोनों को ये महंगा पड़ता है। अब जैसे आज ही जो ट्रेन पश्चिम बंगाल के लिए निकली है, इसमें महाराष्ट्र के अनार, अंगूर, संतरे और कस्टर्ड एप्पल, जिसको कई जगह पे सीताफल भी कहते हैं, ऐसे उत्पाद भेजे जा रहे हैं। ये ट्रेन करीब करीब 40 घंटे में वहां पहुंच जाएगी। वहीं रोड से 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने में कई दिन लग जाते हैं। इस दौरान ये ट्रेन बीच में कई राज्यों के बड़े स्टेशनों में भी रुकेगी। वहां भी अगर किसान को कोई उपज भेजनी है या वहां भी कोई ऑर्डर उतारना है, तो उसको भी किसान रेल सेवा देती है, उस काम को भी पूरा करती है। यानी बीच में भी अनेक बाजारों तक किसान रेल किसान का माल पहुंचाती भी है और उठाती भी है। जहां तक भाड़े की बात है, तो इस रूट पर रेल का माल भाड़ा ट्रक के मुकाबले वैसे भी लगभग 1700 रुपये कम है। 1700 रुपये किसान रेल में तो सरकार 50% छूट भी दे रही है। इसका भी किसानों को लाभ हो रहा है। साथियों, किसान रेल जैसी सुविधाएं मिलने से कैश क्रॉप, ज्यादा दाम वाली ज्यादा पोषक फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन बढ़ेगा। छोटा किसान पहले इन सब से इसलिए नहीं जुड़ पाता था क्योंकि उसको कोल्ड स्टोरेज और बड़े मार्केट मिलने में दिक्कत होती थी। दूर के बाजार तक पहुंचाने में उसका किराए भाड़े में ही काफी खर्च हो जाता था। इसी समस्या को देखते हुए 3 साल पहले हमारी सरकार ने टमाटर, प्याज, आलू के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50% सब्सिडी दी गई थी। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको दर्जनों दूसरे फल और सब्जियों के लिए भी बढ़ाया गया है। इसका भी सीधा लाभ देश के किसान को मिल रहा है। भाई और बहनों, आज पश्चिम बंगाल का किसान भी इस सुविधा से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल में आलू, कटहल, गोभी,
बैंगन जैसी अनेक सब्जियां खूब होती है। इसी तरह अनानास, लीची, आम, केला ऐसे अनेक फल भी वहां के किसान उपजाते हैं। मछली चाहे मीठे पानी की हो या खारे पानी की, पश्चिम बंगाल में कोई कमी नहीं है। समस्या इनको देश भर के मार्केट तक पहुंचाने की रही है। अब किसान रेल जैसी सुविधा से पश्चिम बंगाल के लाखों छोटे किसानों को एक बहुत बड़ा विकल्प मिला है, और ये विकल्प किसान के साथ ही स्थानीय बाजार के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको भी मिला है। वो किसान से ज्यादा दाम में ज्यादा माल खरीदकर किसान रेल के जरिए दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं। भाई और बहनों, गांव में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने के लिए, किसानों को बेहतर जीवन देने के लिए नई सुविधा, नए समाधान बहुत आवश्यक है। इसी लक्ष्य के साथ एक के बाद एक कृषि सुधार किए जा रहे हैं। कृषि से जुड़े एक्सपर्ट्स और दुनिया भर के अनुभवों और नई टेक्नोलॉजी का भारतीय कृषि में समावेश किया जा रहा है। स्टोरेज से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर खेती उत्पादों में वैल्यू एडिशन से जुड़े प्रोसेसिंग उद्योग, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। रेलवे स्टेशनों के पास देश भर में पेरिसेबल कार्गो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जहां किसान अपनी उपज को स्टोर कर सकता है। कोशिश ये है कि जितनी फल सब्जियां सीधे घरों तक पहुंच सकती हैं वो पहुंचाई जाए। इसके अतिरिक्त जो उत्पादन होता है उसको जूस, आचार, सॉस, चटनी, चिप्स, ये सब बनाने वाले उद्यमियों तक पहुंचाया जाए। पीएम कृषि संपदा योजना के तहत मेगा फूड पार्क्स, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, प्रोसेसिंग यूनिट ऐसे करीब 6,500 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से अनेक प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और लाखों किसान परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। आत्मनिर्भर अभियान पैकेज के तहत भी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथियों, आज अगर सरकार देशवासियों की छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा कर पा रही है तो इसका कारण है सहभागिता। कृषि से जुड़े जितने भी सुधार हो रहे हैं इनकी सबसे बड़ी ताकत भी गांवों के लोगों की, किसानों की, युवाओं की भागीदारी है। एपीओस यानी किसान उत्पादक संघ हो, दूसरे सहकारी संघ हो, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हो, कृषि व्यापार में और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में इनको प्राथमिकता दी जा रही है। नए कृषि सुधारों से कृषि से जुड़ा जो व्यापार कारोबार बढ़ने वाला है उसके बड़े लाभार्थी भी किसानों के, ग्रामीण युवाओं के, महिलाओं के, यही संगठन है। कृषि कारोबार में जो निजी निवेश होगा उससे सरकार की इन कोशिशों को ताकत ही मिलेगी। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से भारतीय कृषि को और किसान को सशक्त करने के रास्ते पर चलते रहेंगे। एक बार फिर देश के किसानों को 100वीं किसान रेल और नई संभावनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। रेल मंत्रालय को बधाई देता हूं, कृषि मंत्रालय को बधाई देता हूं
और देश के कोटि कोटि किसानों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर आभार। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े सभी गणमान्य अतिथियों और महानुभावों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सभी को पुनः नमस्कार।